नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का समाचार की अरी में। मैं हूं आपके साथ हिमांशु शर्मा। इस वक्त हम मौजूद हैं पंचकुला में, पंचकुला के धरना स्थल पर। आपको बता दें कि धरना स्थल जहां प्रत्येक दिन विभिन्न धरने दिए जाते हैं, सरकार से मांग होती है, उनके अपनी मांगों को मनाने के लिए यहां पर लोग धरने पर बैठते हैं। विभिन्न जिलों से आते हैं, विभिन्न प्रदेशों से भी यहां पर जो उनकी यूनियन होती है वहां से लोग आते हैं और अपनी मांगों को लेकर यहां बैठते हैं। आज हमारे साथ ऐसा ही एक हरियाणा गवर्नमेंट PWD मैकेनिकल वर्कर्स की यूनियन है जो रोहतक जिले की यूनियन है, पूरे हरियाणा की है जी। अब आइए हम इन्हीं से जानेंगे क्या इनका मुद्दा है, क्या किस लिए यहाँ पर बैठे, क्या इनकी समस्या है। राम राम भाई साहब। राम राम भाई। क्या नाम आपका? सर मेरा नाम राकेश लाकड़ा है जी। मैं हरियाणा गवर्नमेंट PWD मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन रजिस्टर नंबर 41 संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा का प्रांतीय वरिष्ठ उप प्रधान जी। आज आप यहाँ धरने पर बैठे हैं, क्या कारण है आपके धरने पर बैठने के? सर हमारा कारण है यहाँ धरने पर बैठने का, हमारी 3 टायर यूनियन है। अच्छा, तीन डिपार्टमेंट है हमारे, इरिगेशन, पब्लिक हेल्थ एंड PNR। और तीनों के तीनों डिपार्टमेंट में हमने 26 अगस्त से लगातार हम यहाँ 66वें दिन धरने के का आ गया हमारा जी। 26 अगस्त को हमने रैली की थी EIC इरिगेशन के विरुद्ध, जिन्होंने 78 कैटेगरीज महकमे की मर्ज करके ख़त्म करने का काम किया था, उसके अवज में हमने धरना दिया था। कुछ मांगे हमारी ACS लेवल की थी, कुछ सरकार लेवल की थी। मांगे क्या हमारी, तो समस्याएं थी। अच्छा, अगर आप पूछो तो जी बताओ क्या क्या समस्याएं थी आपकी, खुलकर बताओ। समस्याएं हमारी ये थी जी, महकमे का तो विस्तार हो रहा है। अच्छा। और पोस्टों को राइट साइजिंग का नाम दे के ख़त्म किया जा रहा है, जबकि महकमों को ही ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। अच्छा। हमारे जो तीनों के तीनों डिपार्टमेंट हैं, ये पब्लिक वर्क्स के डिपार्टमेंट हैं, जनसेवक के डिपार्टमेंट है, जनता के लिए हैं ये, जिसमें पानी का डिपार्टमेंट है इरीगेशन, जो सिंचाई का पानी देता है। डिपार्टमेंट में कर्मचारियों ने काम करके हर टेल तक पानी पहुँचाने का, जो हरियाणा में हरित क्रांति पूरे देश में आई उसमें इरिगेशन का बहुत बड़ा हाथ है जी। जब एक एक क्यारी तक पानी पहुंचाया तो इस प्रदेश में हरित क्रांति आई जी। इस देश में हरित क्रांति आई, जबकि पहले हमारे यहाँ अनाज के भी टोटे होते थे, आज हमारा अनाज निर्यात तक होता है। अपनी तो पूर्ति करते ही करते हैं, जबकि निर्यात भी करते हैं जी। इसका लगभग श्रेय डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को जाता है जी। जो हमारे अधिकारी हैं उच्च लेवल के और सरकार के जो नुमाइंदे हैं, अतिरिक्त सचिव हमारे, उन्होंने मिल बैठ के महकमे को ख़त्म करने का ठेका ले लिया है तीनों डिपार्टमेंटों का। दूसरा हमारा जो डिपार्टमेंट है वो पब्लिक हेल्थ है, जो हर नल तक, हर घर तक पानी पहुंचाने का काम पब्लिक हेल्थ का जी। उन्होंने बाकायदा हर नल तक, हर घर तक पानी पहुंचाया भी है, इस और उसका भी अभी आपने पीछे पड़ा हुआ 5-10-15 दिन पहले 4436 पोस्टें ख़त्म कर दी गई हैं। यही हाल BNR का है, हर गांव को गांव शहर से जोड़ा है, पूरे हरियाणा में सड़कों का जाल बिछाया है, उसमें या बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो सरकारी बिल्डिंगें हैं अपनी, वह खड़ी करने में BNR का हाथ है। भर्ती तो पीछे से होगी, जो ग्रुप डी के आए उसमें कुछ बच्चे तो आ गए हमारे पास, लेकिन जो रोडों पर टाकी लगती है ना, जिनको हम टाकी बोलते हैं, टाकी वर्क्स तक का काम भी प्राइवेट कर दिया है। हमारे पास टाकी वर्क्स तक का भी काम नहीं है, जबकि हमारी सारी मशीनरी गल रही है, जल रही है। मिक्सर मशीन है, चाहे रोड रोलर है, चाहे मिक्सिंग की बात कर लें, हर कोई मशीनरी गल रही है हमारी, लेकिन हमारे महकमों के पास काम नहीं छोड़ रहे। यही काम पब्लिक हेल्थ का कर रहे हैं, जो शहरों में की वाटर सप्लाईज हैं वो तो नगर निगमों के हवाले कर रहे हैं, और जो गांवों की वाटर सप्लाईज हैं वो पंचायतों के हैंडओवर कर रहे हैं, ताकि ये जितना भी पानी का तंत्र है ना, ये बैठ जाए। और जो उद्योगपतियों का पानी है, एक एक बोतल, एक एक लीटर की बोतल आप देखते हो 20-20 रुपए तक की बिक रही है। ये जो सुविधाएं फ्री दे रहे थे
सरकारी डिपार्टमेंट जो फ्री सुविधा दे रहे थे उसमें नहरों से जो पानी आके वाटर वर्क्स में जाता था, वाटर वर्क्स में फिर उस क्लोरीन फिटकरी वगैरह डाल के उसको पानी को शुद्ध करके हर घर तक पहुंचाने का काम कर रहे थे, इससे बीमारियों में भी बचाव रहता था। और जब से ये गए हैं, अभी पीछे तो आपने देखा कोरोना महामारी आई है, ऐसी ऐसी और भी बहुत सारी महामारियों आने का खतरा है जी, उन डिपार्टमेंट्स को बचाने के लिए हमारे जो यूनियन है उसने संघर्ष का आंदोलन का फैसला लिया है। तो ये हमारी मांगे नहीं है, समस्याएं हैं। जब महकमे का विस्तार हो रहा है तो आप नए पद सर्जित करके हम नए की भी छोड़िए, 4 बार रेगुलाइजेशन हुई है, 1987 में 1993 में 1996 में और 2003 में। 1987 को छोड़ के 1993, 1996 और 2003 के जितने भी पद थे वे कह रहे हैं कि ये डिमिशिंग कैडर में है। हम कह रहे हैं जिनको रेगुलर पद कर दीजिए, नए बच्चे भर्ती होंगे, प्रदेश में बेरोजगारी की चोरी चकारी कम, अपराध कम होंगे, रोजगार मिलेगा तो अपराध कम होंगे। हाँ जी, अगर रोजगार मिलेगा तो अपराध की तरफ जाएगा ही नहीं। अगर कोई वेला बैठा होगा तो अपराध की दुनिया में भी जाएगा, क्यों, खर्चे तो उसको अपने निकालने हैं। कहने का मतलब सब कुछ प्राइवेट कर दिया है। सब कुछ प्राइवेट कर दिया जी, जिससे आपकी यूनियन को भी और जो बेरोजगार है उनको नुकसान हो रहा है। बिल्कुल जी, इसके लिए आपने किसी और से गुहार लगाई हो, किसी से आपको आश्वासन मिला हो, किस तरीके की बातचीत रही? गुहार जी, हम तो सरकार से भी लगा रहे हैं, एसीएस मोदे से भी लगा रहे हैं, सिर्फ एक इरीगेशन एसीएस हैं जो हमारे पंकज अग्रवाल जी, उनसे बातचीत हुई थी 18 तारीख को, लेकिन आज तक नोटिफिकेशन तो दूर की बात है, मिनट्स ऑफ मीटिंग तक जारी नहीं कर ली उन्होंने। ये एक हम तो लॉलीपॉप वाली बात होगी, लॉलीपॉप दे दिया, लेकिन हमने बोल दिया जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, जब तक हमारे पास नोटिफिकेशन जारी नहीं हो जाती, हम ये धरना एज इट इज रखेंगे, अनिश्चितकालीन धरना रखेंगे। अब आदमपुर चुनाव है, उसमें यूनियन ने जन जागरण अभियान, सरकार की पोल खोल अभियान चला रखा है, वहाँ पर हमारी टीम गई हुई है। हर मंत्री को, ये नहीं कि किसी को पता नहीं है, हर किसी को पता है, हमने डीसीज को, 90 के 90 विधायकों को ज्ञापन दिया है, बिल्कुल जाके पूरी रैली जत्थे के हिसाब से जाके हर किसी को दिया, उसको समझा गया है जी ऐसे ऐसे हो रहा है, ये गलत है। तो आइए कुछ और लोगों से भी बात करेंगे जो यूनियन के लोग हैं। आपने अभी एसीएस से आपने मीटिंग की है, क्या आप उस मीटिंग से संतुष्ट हैं, किस तरीके की बातचीत है? एसीएस से हमारी 18 तारीख को जो मीटिंग हुई थी, जो उन्होंने एसीएस अधिकारी ने हमारे को आश्वासन दिया था 24 तक हम इन मीटिंग जारी कर देंगे, लेकिन एसीएस ने जो वादे किए थे, एसीएस भी आज उस वादों पर खरा नहीं उतरा, क्योंकि काफ़ी दिन के बाद भी उन्होंने ना तो को इस तरह मीनसो मीटिंग जारी की, नहीं को लेटर जारी हुआ। इसलिए हमारे संगठन ने एक फैसला लिया है, आदमपुर चुनाव में हम सरकार का विरोध करेंगे और हमारा किसी को समर्थन नहीं है। हमारा तो ये है कि बीजेपी सरकार ने जो बेचने का काम कर रही है तो कम से कम हम रोके। अब जैसे ये प्रदेश के मुखिया माननीय मनोहर लाल खट्टर जी, ये सिंचाई का महकमा मनोहर लाल खट्टर जी के पास, जो प्रदेश के मुखिया भी हैं, लेकिन इन्होंने ऐसा महकमा मुख्यमंत्री के पास होते हुए भी, आप ये देखिए कि इस महकमे के अंदर पीछे अधिकारियों ने कितने बड़े बड़े भ्रष्टाचार किए हैं। एक तरफ तो सरकार कहती है भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा, भ्रष्टाचार मुक्त, लेकिन सरकार ने जो भ्रष्टाचार का वादा चुनाव में 2014 में इन्होंने दिया था हम भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, लेकिन अपराध तो उससे भी ज़्यादा बड़े हैं, क्योंकि बेरोजगारी का आंकड़ा है, जो पहले बेरोजगारी का आंकड़ा था, अब उससे कई गुना ज्यादा होगा, क्योंकि जो बेरोजगारी का आंकड़ा होगा तो जो बेरोजगार होगा तो अपराध भी ज्यादा होंगे। इसलिए हम मुख्यमंत्री से, सरकार से भी और प्रदेश के भी और देश की सरकार से के इसकी, इन्होंने जो ऐसा जो भ्रष्टाचार की तरफ गए ना, हम जनता से अपील करते हैं, इस प्रदेश की सरकार का जो इन्होंने आदमपुर का चुनाव है उसमें इसको चुनाव के अंदर सबक सिखाने का काम करें। वोट की चोट से, वोट की चोट से 66 दिन से आपका धरना चल रहा है, एसीएस से भी आपने एक मुलाकात की है, क्या ये बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री के पास ये जो विभाग है, क्या मुख्यमंत्री से भी मिलने की आपने कोई कोशिश की है, किस तरीके की आपका क्या रहा? मुख्यमंत्री तो किसी भी विभाग को टाइम ही नहीं दे रहा, मुख्यमंत्री के तो जो बीजेपी के विधायक हैं, MLA हैं, वो खुद ही ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री हमारे को टाइम नहीं दे रहा। हम तो कर्मचारी हैं और मुख्यमंत्री भी प्रेस पे टीवी पे ये कहता है कि हमें नारनौल महेंद्रगढ़ आखिरी टेल तक पानी पहुंचाया है, वो किसकी वजह से पानी पहुंचाया है?
सभी फील्ड कर्मचारियों की मेहनत है, वो सरे वो लेते हैं और फिर डिपार्टमेंट को विभाग को सिकोड़ने का काम कर रहे हैं। ये हमारी मांगे थोड़ा ही है, समस्याएं हैं और समस्याएं भी उस महकमे की हैं जो महकमा जो विभाग खुद मुख्यमंत्री के पास है। मुख्यमंत्री के विभाग का ये हाल है तो और विभागों का और मंत्रियों का क्या हाल होगा। अब हम यहाँ 66 दिन से बैठे हैं, हमारी ACS से भी बातें हुई हैं, EIC से भी बातें हुई हैं, आज तक कोई पत्र जारी नहीं किया किसी ने भी। बात कर लेते हैं और बात को कूड़ेदान में डाल देते हैं, बात को लेटर के माध्यम से या फील्ड कर्मचारी के संतोष के माध्यम से फील्ड पर लागू नहीं करना चाहते, ताकि कर्मचारी भी खुश हो, खुश हो के कर्मचारी विभाग को दूनी मेहनत के साथ विभाग की देख रेख कर सके, नहरों की देख रेख कर सके, रोडों की देख रेख कर सके, पब्लिक हेल्थ जल घर की देख रेख कर सके। ऐसा इनके पास कोई न तो इनके पास कोई टूल है न कोई सामग्री है, खाली वो हैं हवा में बातें, हवा वाई बातें आपके साथ की जा रही हैं, हवा वाई बातें हैं इनकी, हवा वाई बातों से हमें अपने आदमपुर में इनके BJP हरियाणा सरकार के खिलाफ, BJP सरकार के खिलाफ हमने डोर टू डोर पोल खोलने का, हमारे सर्व कर्मचारी संघ और हमारी जो हरियाणा गवर्नमेंट PWD वर्कर यूनियन है, हमारे जो शीर्ष नेता हैं और सर्व कर्मचारी संघ, हमने वहाँ रैली भी की है कि BJP को वोट ना दो, BJP को वोट नहीं देना, ये किसी प्रकार की कोई बात ही नहीं सुनना चाहती, किसी महकमे को कोई दुख तकलीफ हो कोई समस्या हो उसको सुनना नहीं चाह रही। हमारे 3600 पोस्टें BNR में ख़त्म करने का काम किया है, 4600 पोस्टें जन पब्लिक हेल्थ विभाग में ख़त्म करने का काम किया है, इरिगेशन में हमारे कनाल गार्ड की पोस्ट को डैमेज कर दिया, डिमेशन कैडर में डाल दिया, ऐसे कैसे विभाग चलेंगे। तो जिस तरीके से भाई साहब ने भी बताया कि जिस तरीके से काम आपसे कराया जा रहा है लेकिन वेतन को लेकर इस तरीके की भी कुछ बात आई है, तो समान काम समान वेतन को लेकर भी भाई साहब ने कहा था। समान काम समान वेतन की थी, ये है ये कौशल रोजगार योजना लिया है, बैकडोर से अपने आदमियों की एंट्री कर रहे हैं, ऐसे ऐसे हमारे पास 20-20 साल 18-18 साल 17-17 साल हो गए कर्मचारी को काम करते, उनको एक तरफ से हटाया जा रहा है और ये सरकार अपने आदमियों को बैकडोर से अपने एंट्री कर रही है, ऐसे कैसे विभाग चलेंगे। विभागों को तो खुद ख़त्म मारने का काम कर रहे हैं खुद जी। तो भाई साहब भी कुछ कहना चाह रहे थे भी आप। सर जी जो सरकार तो सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों को भी नहीं मान रही है, कर्नाटक उमा देवी वर्सेज कर्नाटक सरकार के फैसले में साफ स्पष्ट तौर पर आया था कि भविष्य में कोई कच्ची भर्ती नहीं होगी और कोई बैकडोर एंट्री नहीं होगी, जबकि एक कंपनी लेकर आई है सरकार कौशल रोजगार निगम। हम पूछना चाहते हैं क्या वो बैकडोर एंट्री नहीं है। हमारे जो 17-17 साल से कर्मचारी महकमे के रोल पर ट्रेजरी से वेतन भोगी हैं, उनको भी कौशल रोजगार निगम में डालने की जबरदस्ती की जा रही है हमारे साथ जी। तो सरकार तो ये दावा करती है कि हम तो ग्रुप भर्तियां निकाल रहे हैं, अभी उन्होंने भर्तियां भी निकाली थी, उसको लेकर क्या कहेंगे। कौन सी भर्तियां निकाल दी, पद 4 लाख पड़े हैं, भर्तियां 18,000 निकाल दी, उसमें से भी अपने ही लगाए हुए 1518 जो स्पोर्ट्समैन थे उनको वापस निकाल दिया जी। उसमें तो बहुत बड़ी जो ग्रुप डी की भर्ती थी बहुत बड़ी धांधली हुई है, पांच बार वेटिंग लिस्ट लग चुकी है, जबकि वेटिंग लिस्ट का टाइम होता कि 1 साल तक आप वेटिंग वालों को लगा सकते हैं, यहाँ पैसे ले लेके 5 बार वेटिंग लिस्ट में बंदे लगाए हैं। इन्होंने तो अपनी दुकान खोल रखी है, अब जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको हम तो पक्का करने की बोल रहे थे कि भाई कोई पॉलिसी बना के पक्का किया जाए, जैसे हमारे 87 में हुए, 93 में हुए, 96 में हुए, 2003 में हुए, ऐसे ही कोई पॉलिसी बनाई जाए जैसे अब पंजाब सरकार ने पॉलिसी बनाई है, ऐसे ही को पॉलिसी बनाई जाए कि सर जिसे कर्मचारी को पक्का किया जा सके, जिनको 17-18 साल हो गए उनको आप 1-1 साल का 11-11 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर लगा रहे हो, उसके बाद उसकी नोटिंग आपने पढ़ी होगी कौशल रोजगार निगम की, उसमें टोटल की टोटल एक ये मानो गुलामी है, प्योर गुलामी जिसको आप कह सकते हो। अगर किसी भी अधिकारी ने एक बार भी ये रिपोर्ट कर दी कि ये इसका
काम ठीक नहीं है जीवन में, वो इसमें एच के आर एन एल पर नहीं चढ़ेगा। अच्छा। उसकी सेवा वहीं समाप्त कर दी जाएगी, एक तरह से गुलामी है ये। तो मुख्य मांग आपकी ये है जो कच्चे कर्मचारी है उनको पक्का किया जाए, और जो बेरोजगारी की आपने भी बात की थी, बेरोजगारी जो लोग बेरोजगार है आपके इसमें उनको भी थोड़ा सा नौकरी के लिए उनको भी किया जाए। बिल्कुल जी। जबकि इसके अलावा और भी कुछ मांगे हैं, महकमों को छोड़ना बंद किया जाए, नए पद सर्जित किए जाएं, वेतन विसंगतियां हैं हमारी, सर्विस रूलों की त्रुटियां हैं, जो हमारे दोनों डिपार्टमेंटों के, तीनों डिपार्टमेंटों के सर्विस रूल है ना, वो एक तरह कूड़े का ढेर है। छः छः प्रमोशन हो जाती है लेकिन पे बढ़ती नहीं। छः छः प्रमोशन में एक बार पे बढ़ती है, छः बार प्रमोशन जब हो जाता आदमी तो एक बार पे बढ़ती है। ये थे हमारे साथ, एक बार बढ़ता बस जी। ये थे हमारे साथ कर्मचारी जो सरकार की इन तरह की गतिविधियों से परेशान है। इन्होंने मांग उठाई है कि समान काम समान वेतन जो कच्चे कर्मचारी हैं उन्हें पक्का किया जाए, और भी जो तमाम मांगे हैं उनको लेकर मैं भी सरकार से आह्वान करूँ अपने चैनल के माध्यम से जल्द इस तरीके के जो धरने हैं हरियाणा जैसे प्रदेश में, इस तरीके के धरने जो है नहीं होने चाहिए। जिस तरह से हमारा देश किसानों का देश कहा जाता है, जवानों का देश कहा जाता है, तो अगर हमारे देश के इस तरह के जो कर्मचारी हैं वो भी धरने पर बैठेंगे तो देश को प्रगति की ओर नहीं ले जाया जा सकता। तो मैं सरकार से कहूँगा कि इस तरीके के जो धरने हैं उन पर सरकार को एक अधिकारी को छोड़ना चाहिए जो इनकी मांगों को सुने और जो तुरंत एक्शन किए जाए। समाचार कैरी के लिए हिमांशु शर्मा की रिपोर्ट।